हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे गोटे भेज्र रेसीपी नहीं आसी जार ना हो दही मसला भेंडी। तरकारी भात एवं रुटी सहित तो बहुत भल लगे, तो आसतु स्टार्ट करवा आज रेसीपी। दही मसला भेंडी बनवाई आमको ये सब सामग्री दरकार। मुठी कि भेंडी नहीं भलसे धोईकी गोटे सफा कपड़े पोछी नहीं थी, मैं सेप्रे का दुईट मीडियम साइज़र प्याज नहीं, दुईट टमाटो को चॉप करके रखी, हाफ चमच लेखाएं जीरा एवं कला सोरस नहीं, गोटे चमच अदा रसुण बटा नहीं, दुई तीन टी कंचा लंका को स्लाइस कर नहीं, ता सहित कि गोटा गरम मसला नहीं, दुईट अलैच कि लवंग एवं कि डालचीनी रखी, किसी धनिया पत्र को चुना चुना करी काटी रखी, सोरस तेल नहीं, गोटे कप पानी एवं गोटे कप दही नहीं, शेषे मुझे सुखा मसला नहीं, गोटे चमच लेखाए हलदी गुंड एवं काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर नहीं, हाफ चमच लेखाए जीरा गुंड गरम मसला गुंड एवं धनिया गुंड नहीं, लास्ट स्वाद अनुसार लुण नहीं। प्रथमे मुझे गोटे बाउल नहीं दही दे दबा, हाफ चमच लेखाए लंका गुंड जीरा गुंड एवं गरम मसला गुंड दे कि दही को भलसे फेंटी नबा। रेसिपी पाई कि जो सब आवश्यक सामग्री दरकार मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाके चेक करें। दही को भल से फेंटी सारे एवं मुझे साइड करदेवि। एवं आम रोष कम आरंभ करवा, इंडक्शन को ऑन करी या उपरे गोटे पैन बसई, पैन भल से गरम हो गलानी, एवं मुझे दुई रु तीन चमच तेल देदेवि, तेल को भल से गरम करनवा। एवं तेल भल से गरम हो गलानी, मु काटिक रखी भेंडी एड करी, अल्प किसी लुण दे कि भल से गोल, एवं मैं कवर करदेवि और तीन रु चार मिनिट भेंडी को मीडियम फ्लेम रे सीझे छाड़देवि। पखापाखि चार मिनिट हो गलानी, भेंडी भल से फ्राई हो गलानी, एवं मैं गोटी गोटी करके गोटे प्लेट को काढ़ नेबी। एबे आमे दही मसला भेंडी पाई के ग्रेवी रेडी करिबा। मु आउ गोटे चम्मच तेल दे कि तेल को भल से गरम करने भी। एबे तेल गरम हो गलानी, मु इथिरे जीरा सोरस दे देबी, ता सहित जो गोटा गरम मसला दे थिली ताकु भी दे देबी। ए सब मसला को पाखापाखी 10-15 सेकेंड जाए भाजी नबा। मसला भाजी हो गलानी, एबे मैं इतने काटिक रखी प्याज दे देबी एवं प्याज को 2-3 मिनिट मीडियम फ्लेम रे सोते करने भी। देखु प्याज भल से भाजी हो गलानी, एबे मैं इतने गोटे चमच अदा रसुण बटा दे देबी एवं मु जो सुखिला मसला सब रखी थी ताकु भी एड करके भल से आपको गोल नवा। जदि आपण मो चैनल रो समस्त भेज रेसीपी देखिया पई चाहूचंती, ऊपर राइट साइड रे थिबा आई बटन को क्लिक कर नियंतु, देले आपण कूल एंड कुक रो प्लेलिस्ट को डायरेक्टली पळेबे एवं सेहिठी जाई के समस्त भेज रेसिपी को देखि परिबे। सुखा मसला को भल से गोळई सल्ला परे मु एथिरे काटिक रखीतिबा टमाटो को ऐड करबी। एबे मु एथिरे अल्प किछि पानी ऐड करबी एवं याकु भल से कसिबा। एबे मसला भल से कसी हो गलानी, मु इंडक्शन को बंद कर देबी एवं ए मसला को पाखापाखी 5-10 मिनिट ठंडा कर नबा। तापर जाई आमे एथरे जो फेंटिक रखी थी दही को ऐड करिबा। जदि आपण गरम थी अवस्था दही को ऐड कर देबे तो दही छिंडी जीव एवं ग्रेवी बिल्कुल भी भल बनिबनी। देखंतु एबे मसला भल से ठंडा हो गलानी,
मु दही को ऐड कर देछि एवं पुणि थरे आमे इंडक्शन को ऑन करिकि मसाला को भल से गोळे नबा। एबे आमे एथरे गोटे कप पाखा पाखी पानी ऐड करिबा एवं याको गोटे मिनिट फुटिया पई छाडी देबा। पाखा पाखी गोटे मिनिट फुटी आसलानी एबे मु एथरे फ्राई करिके रखिथिबा भेंडी एवं कंचा लंका को ऐड कर देबी। तापर याको भल से गोळे नबा। ए तरकारी रे आपण सब बेले खट्टा दही रो यूज करिवे यार टेस्ट भल आसीबो। एबे लास्ट रे आमे याकु पुणी 3-4 मिनिट कवर करिकि मीडियम फ्लेम रे कुक करिबा। 3-4 मिनिट हे गलानी एबे ग्रेवी पूरा पूरी रेडी हे जाईची। शेषे मुझे किसी धनिया पत्र एवं अल्प किसी गरम मसला देकी भलसे गोल देखु। तो प्रस्तुत हो गला दही मसला भेंडी तरकारी। जदि मो चैनल रो कुकिंग वीडियो सब आपको भल लगुच तो मो चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ। तले डाहाण पटे बेल आइकन को क्लिक करनी दे जो सब वीडियोस अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपण आग पाई परिबे।